सिर्फ रास्ता चाहिए। शनिवार को मथुरा के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर स्थित स्वर्गीय मोहन पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा कमल कप टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़चढ़ कर भाग लिया। कमल कप में मथुरा बीजेपी कार्यकर्ताओं की 10 टीमें भाग ले रही हैं। इन खिलाड़ियों में सभी भाजपा कार्यकर्ता शामिल हैं। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच भाजपा और भाजपा युवा मोर्चा के बीच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भाजपा ने अपने निर्धारित 10 ओवर में 77 रन बनाए। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी युवा मोर्चा की टीम महज 72 रन ही बना सकी और भाजपा ने 5 रन से मैच अपने नाम कर लिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष यज्ञ दत्त कौशिक ने बताया। बताएं कि क्या आयोजन किया जा रहा है भाजपा के द्वारा? देखिए, भाजपा के द्वारा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा यहाँ जो आयोजन किया जा रहा है वो कमल क्रिकेट कप का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे मेरे साथी जो मंडलों में गांव देहात में निकलकर खेल नहीं पाते, जिले स्तर पर आ नहीं पाते, उनको युवा मोर्चा के साथियों ने पहल की है। गांव देहात और कहीं छुपे हुए उन खिलाड़ियों को आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मोहन पहलवान गणेशरा वाले मथुरा स्टेडियम में खेलने का मौका दिया है। ऐसे खिलाड़ियों को युवा मोर्चा जिला मथुरा कोशिश करेगा इन्हें आगे बढ़ाने की। इनके साथ तन मन धन से हमारे पूरा मोर्चा पूरे साथी तैयार है। कितने दिन में चलेगा कार्यक्रम? ये 19 और 20 के लिए प्रदेश से कार्यक्रम कराएंगे। हम 2 दिन कार्यक्रम कराएंगे। 8 टीमें खेल रही हैं यहाँ पर युवाओं की, जो कि भाजपा के नहीं है, उन युवाओं की टीम खेल रही है। अभी हमने एंजॉयमेंट के लिए जो शुरुआत की है वो भाजपा और युवा मोर्चा की टीम के खिलाफ की है।